छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री कभी भी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। इससे पहले विभाग ने आने वाले 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इनमें आने वाले 48 घंटों के लिए सुकमा के साथ साथ पड़ोस के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर तक पहुँच चुका है। इसकी एंट्री के साथ ही जोरदार बारिश होगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 72 घंटों में सरगुजा संभाग के सभी जिलों के साथ रायगढ़, कोरबा और जांजगीर में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर और दुर्ग संभागों के सभी जिलों में 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पेड़ों के नीचे आश्रय न लें, गड़गड़ाहट सुनने के बाद घर के अंदर जाएं या सुरक्षित पक्के आश्रयों की तलाश करें। अगर कोई आश्रय उपलब्ध नहीं है तो तुरंत उखड़ू बैठ जाएं। इसके साथ ही प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। यह अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश के सुकमा जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट भी बताया है, जिसमें मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ऐसे हालातों में सड़कों में फिसलन बढ़ जाएगी, स्थानीय बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में अंडरपास बंद हो जाएंगे। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि भारी वर्षा के चलते आपकी विजिबिलिटी में भी कमी आ सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि सड़कों पर जल भराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होने से यात्रा का समय भी बढ़ सकता है। अब ऐसे में खबर विभाग आप सबसे अपील करता है कि इस चेतावनी को सीरियसली लें और ऊपर बताए गए सुझावों पर सीरियसली ध्यान देके बारिश के मौसम में खुद को सुरक्षित रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।